देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस यूक्रेन तनाव से जुड़ी हुई। यूक्रेन बॉर्डर का एयर स्पेस पूरी तरह खाली हो गया है। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर फिलहाल एक भी विमान नहीं फ्लाई कर रहा है। स्विस एयर ने यूक्रेन की सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं और कुछ दिन पहले तो यह भी खबर आई कि इंश्योरेंस कंपनियों ने उन इंश्योरेंसेस पॉलिसीज को रद्द कर दिया जो प्लेन इस एयर स्पेस से यूक्रेन के ऊपर से उड़कर जाएंगे। अब ये जो हम आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए जो हम आपको लाल रंग की ये पट्टी दिखा रहे हैं, ये वो एयर स्पेस है जिस पर अब एक भी विमान फ्लाई नहीं कर रहा है, एक भी विमान उड़ान नहीं भर रहा है और स्विस एयर ने भी यूक्रेन की सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। अब यहाँ कौन सी विमान फ्लाइट्स आ रही हैं? जो चार्टर फ्लाइट्स लाई जा रही हैं देशों के अलग अलग देशों की तरफ से, ताकि जो लोग वहाँ पर फंसे हैं उनको निकाला जा सके। अभिषेक, इसी से जुड़ा एक सवाल, इंडियन एम्बेसी ने कहा कि उनके एम्बेसी के जो कर्मचारी हैं उनकी फैमिलीज या जो मेडिकल की पढ़ाई करने जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं या जो भी इंडियंस हैं इस वक्त यूक्रेन में, वो सब छोड़कर जाएं। फ्लाइट्स, कमर्शियल फ्लाइट्स इतनी ज़्यादा चल नहीं रही हैं। अभी अभी एक खबर ये भी है कि जो बच्चे हैं वहाँ पर, जो छात्र हैं, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से ये गुहार लगाई है कि भाई बहुत ज़्यादा किराया है, इस किराए को कम करें, क्योंकि किराया 1.25 लाख तक पहुँच रहा है जो अमूमन 15-20 हज़ार तक होता है, तो उसको लेकर क्या हो रहा है वहाँ? देखिए, हमारी जानकारी ये है कि 22, 24 और 26 तीन डेट्स ऐसी हैं जब एयर इंडिया की फ़्लाइट्स का इंतज़ाम किया गया है यहाँ से ले जाने के लिए जो जाना चाहते हैं, और जाना को कह दिया गया है। ये एम्बेसी की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई। जहाँ मैं खारकीव में हूँ, यहाँ पर आज ही यहाँ की जो खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ के छात्रों को आज ही ये नोटिस मिली है कि वो छोड़ दें खारकीव, जो खारकीव सबसे अधिक अनसेफ है इस लिहाज से। तो लेकिन आपने ये जो बात का आप जिक्र कर रहे हैं, ये हमसे यहाँ हर बच्चे ने कही। यहाँ पर करीब 5,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं यहाँ और आसपास मिलाकर के 5,000। बड़ी संख्या में बच्चों ने ये बात कही कि इतना महंगा टिकट हो गया, जो पहले 25,000-30,000 में था, आज वो 60-70,000-1 लाख तक हो गया है। मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, किसी तरह से यहाँ एडमिशन लिया, उनके लिए मुमकिन नहीं है कि इतना टिकट लेकर के वो वापस जाएं। तो भारत सरकार को कुछ इंतजाम करना चाहिए, या तो टिकट के दाम कम करवाए जाएँ या फिर कुछ स्पेशल फ्लाइट्स के इंतजाम किए जाएँ। ये मुद्दे वो लगातार उठा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये मुद्दा सरकार तक ज़रूर पहुँचेगा। बिल्कुल जी, देखते हैं सरकार इसको लेकर क्या यहाँ पर रुख अपनाती है। लेकिन एक बात है यहाँ पर जनरल साहब, ये यूक्रेन का मुद्दा बहुत सारे बच्चों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है, और क्योंकि बहुत सारे हज़ारों, करीब 18,000 के आसपास संख्या बताई जाती है जो छात्र वहाँ पर पढ़ाई करते हैं मेडिकल की, क्योंकि वहाँ मेडिकल की पढ़ाई एक तो सस्ती है, दूसरा दुनिया भर में उसकी एक्सेप्टेंस है, तो क्या उनके लिए भी अब ये लाइक लिंगर ऑन जैसी सिचुएशन है कि कब स्थिति सुधरेगी और कब वो वापस जा पाएंगे? हाँ नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर युद्ध होता है या इसी स्थिति भी जो है वो भी बनी रहती है तो हमारे बच्चों के लिए तो मुश्किल है, और भारत के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि किसी भी हालत में भारत की सबसे दोस्त मित्रता है, और यूक्रेन के ऊपर अगर मान लो ये एक्शन होता है, रशियन एक्शन हो जाता है, तो सैंक्शन लगेंगे और उस सैंक्शन में भारत को भी नुकसान होगा और काफी नुकसान होगा। तो इस हालत में जो है, मैं आपसे पूछूंगा वो सैंक्शन किस तरह के हो सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।